हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर 5 साल तक का कोई अगर बच्चा है तो उसका आधार इनरोलमेंट भी आप घर बैठे करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को एक सर्विस रिक्वेस्ट करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड हमें एक वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहले हमें यहां पर अपना नाम फिलअप कर लेना है। जैसे कि मैं कोई नाम फिलअप कर दे रहा हूँ, नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है एंड यहाँ पर ईमेल एंड मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपको लिंक कराना है। ओके, मीन्स आपको जिस आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल लिंक करना है वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना, आपको यहाँ पर सर्विसेज सिलेक्ट करना है IPPB आधार सर्विसेज। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये कि अगर आपको कोई 5 इयर्स तक के किसी बच्चे का आधार इनरोलमेंट कराना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरा, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक करना है या ईमेल आईडी लिंक करनी है या अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है तो आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है। एंड डिटेल्स को यहाँ फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो चुका होगा एंड वो OTP हमें यहाँ फिलअप कर देना है। एंड जैसे कि मैं OTP डाल दे रहा हूँ, एंड जैसे हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, यहाँ हमें एक सर्विस रेफरेंस नंबर हमें मिल जाएगा। आप इस रेफरेंस नंबर को कहीं पर नोट करके रख लेंगे या पे कहीं लिख लेंगे ताकि बाद में इसे हमें ट्रैक करने में सुविधा हो। अगर आपको अपना रेफरेंस नंबर ट्रैक करना है तो आपको इसी पेज पर ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इस पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को डाल देना है एंड यहाँ पर फेस कर लेना है। एंड यहाँ पर देखा जा रहा है जैसे कि पेंडिंग, अभी अप्रूवल हमें यहाँ पर नहीं मिला है, जैसे कि पेंडिंग शो कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट करने के बाद आपके एड्रेस पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक पर्सन को भेजा जाएगा एंड वो पर्सन आपके घर पर आपके एड्रेस पर आ करके आपके बायोमेट्रिक के द्वारा आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को लिंक भी कर देगा एंड अगर आपको अपडेट करना है तो वो भी कर देगा वो। बट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा। केवल आपको अपना बायोमेट्रिक देना है, इसके द्वारा ही आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक हो जाएगी। एंड अगर आपको किसी बच्चे का सर्विस इनरोलमेंट करवाना है 5 इयर्स तक के किसी बच्चे का, तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का एक आधार प्रूफ एंड बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना अनिवार्य रहेगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।